तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें बच्चों। और लास्ट क्लास तक मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, आज हमें क्वेश्चंस करने हैं। नहीं तो फिर क्वेश्चन करते हैं, को सब क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, हमारे इलस्ट्रेशन तो कोई नहीं बचा था ना? क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार पेज नंबर 15 पे आएंगे बच्चों। नहीं, मॉड्यूल का पेज नंबर 15 पे आएंगे आप, वहां पर एक एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसको हम पहले पढ़ के चलेंगे। देखिए बच्चों, एक होते हैं सी फरर। सी फरर होते हैं जो सी में काम करते हैं, समुन्द्र में जो रह के काम करते हैं, उन्हें सी फरर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम होता है बेटा जो समुन्द्र के अंदर हम करते हैं, तो उसे हम सी फरर बोलते हैं, कि जो लोग सी फरर मतलब सी में रहकर काम करते हैं। अगर एक सी फरर है और उसका इंडियन बैंक में कोई अकाउंट है, वो भी कौन सा अकाउंट, एनआरई अकाउंट, तो उस एनआरए अकाउंट के अंदर जो भी उसको सैलरी मिलेगी वो एग्जम्प्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक मिस्टर एक्स है बच्चों, मिस्टर एक्स जो एक सी फरर है, सी फरर, ठीक है, और इसके पास एक इंडियन बैंक का एनआरए अकाउंट है, और इसको इस एनआरए अकाउंट में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। कहाँ से मिल रही है, चाहे इंडिया से मिले चाहे इंडिया के बाहर से कहीं से मिले, तो ये जो सैलरी होगी इसकी, ये एग्जम्प्ट टू टैक्स होगी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक ये नोटिफिकेशन थी 2017 में, इसको निकाला गया था। इस नोटिफिकेशन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता, एमसीक्यू ही बन सकता है। इतना याद रखना आपको, सी फरर को इंडियन बैंक में अगर कोई पैसा मिलेगा तो वह एग्जम्प्ट रहेगा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया ऑफ नॉन रेजिडेंट सी फरर रिसीविंग द रेमुनरेशन ऑफ एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन विद द इंडियन बैंक, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट सी फरर फॉर द सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया ऑन द फॉरन गोइंग शिप विद इंडियन फ्लैग और फॉरन फ्लैग, द रिसीव्ड इन टू द एनआरई अकाउंट मेंटेन विद द इंडियन बैंक शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। दैट इज क्या होगा, सच सैलरी विल एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और साइड में लिख देना एमसीक्यू, ये एमसीक्यू बन सकता है बस। नहीं, ए बी सी डी जय माता दी, ठक, कोई रीजन नहीं देना होता। और अच्छी बात क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अगर आपने अच्छी तरीके से भगवान की पूजा कर रखी है तो आपका पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको ना, डेबिट वाला। इसके बाद में तो सीधा हमने ये क्वेश्चन कर लिया था और फिर हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइए आपके नॉलेज को हम टेस्ट करें, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। देखिए, इसके बाद हम जो तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब सैलरी वाला जो तो चैप्टर है बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर है। 5 हेड की इनकम में सैलरी हेड एक बहुत बड़ा हेड है, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि सैलरी वाले चैप्टर्स के आपको सेमी फर्निश्ड नोट्स दे दूं। ये नोट्स आपको खुद प्रिंट आउट निकलवाने हैं बच्चों। आप ये उम्मीद मत करना कि एमसीसी आपको वो नोट्स के प्रिंट आउट देंगी, वो मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं बच्चों।
जो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, पूरा सैलरी जो 200 पेज का हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है उसको मैंने कंसाइज करके 40-50 पेज में कवर किया है। सब कुछ कवर हुआ उसमें, सारे एमसीक्यू वगैरह सब है। क्योंकि 3,500 पेज का इनकम टैक्स आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते एग्जाम से पहले, आपको कहीं ना कहीं समरी पे आना पड़ेगा। तो आप किसी दूसरे टीचर का समरी उठा के घूमोगे, मैं नहीं चाहता ये, क्योंकि मेरे समरी लोग उठा के घूमते हैं, तो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, इसीलिए उसको हम नोट से पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बस नोट से पढ़ेंगे, मतलब मॉड्यूल के साथ साथ नोट्स को भी रखेंगे अपन। मॉड्यूल सारा कंप्लीट पढ़ेंगे हम, लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा मॉड्यूल का आपका मैं, साथ में समरी के रूप में नोट्स भी रहेगा आपका, ताकि हम सब कुछ देख सकें उसके अंदर। तो उसका जो प्रिंट आउट है, अभी आपके पास कल का समय है, संडे है, कल आराम से आप कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उसका प्रिंट आउट ले लेना आप। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे अभी मैं इनको बोल देता हूँ, आपके एप्लीकेशन पे या तो डल जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास जो टेलीग्राम अकाउंट है ना, टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें आप सर्च करेंगे, एक मेरा टेलीग्राम का मैंने भी चैनल बना रखा है जहाँ मैंने सारे नोट्स रखे हुए हैं, यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको, आप चाहो तो मेरे वाले से भी ले सकते हो। तो वहाँ पर आप सर्च करोगे, सर्च करना एक बार, सीए पवन, एक मिनट रुको, बताता हूँ किस नाम से मिलेगा, मुझे खुद को नहीं पता क्या नाम डाल रखा है। नहीं, एमसीसी वाला नहीं बच्चों, ये मेरा बना रखा है, क्योंकि इसमें मैं नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ और मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही होता है। आप इसमें टैक्स बाय पवन सर लिखो, टैक्स बाय पवन सर, कैसे मर्जी लिखो बेटा, सर्च हो जाएगा। पवन में PAVN आएगा, मेरी फोटो होगी जिसमें मेरी वाइफ है, मिल गई क्या, चश्मा लगा रखा है मैंने, ये नंबर का चश्मा नहीं है, ये वैसे गूगल है वो स्टाइल वाला, ठीक है ना? यहां पर आप जाओगे तो मैं अभी एक पिंग कर देता हूं कि कौन सा प्रिंट आउट आपको निकालना है, ठीक है ना? इसमें लिखा हुआ है सैलरी 2022-23 के नाम से, मिल गया आपको सबसे ऊपर ऊपर सैलरी 2022 है ना, सबसे ऊपर वाली जो 23 जुलाई को मैंने डाल रखी है ना, सेम ही है वैसे वो, हाँ सेम ही है, दो बार डल गया था ये। तो आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, मैं इसको पिंग भी कर देता हूँ जिनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं, एक ही है, एक ही निकालना है भाई, बिल्कुल। नहीं, पिंक मैंने जो पिंक कर रखा है वो अलग है बेटा, वो दूसरे क्लास के बच्चों के लिए भी कर रखा है। तो ये लो भाई, ये हो गया पिन, पिन हो गया ना। तो इसमें दो पिन मिल रहे होंगे आपको, एक तो PGVP का पिन मिल रहा होगा, वो नहीं लेना आपको, सैलरी वाला जो पिन है वो आप ले लेना आप, ठीक है भाई? इसका प्रिंट आउट आप अपने साथ कैरी करेंगे। और ये सेमी फर्निश्ड है, इसमें आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, जो हम क्लास में लिखेंगे अपन साथ साथ में। चलो वो तो होगी बात अलग, इधर देखो अब, खूब सारे इसमें नोट्स रखे हुए हैं, वो आपके अभी काम के नहीं है बच्चों, क्योंकि वो पिछले अटेम्प्ट तक के हैं। हर साल इनकम टैक्स चेंज होता है, बता दूं आप लोगों को, ईयर्स चेंज हो जाते हैं, टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। जो मेरा सब्जेक्ट है या जो अपना इनकम टैक्स है बच्चों, उसकी यही खूबसूरती है। लेकिन मानिए, मैं आपसे ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे नहीं आएगा तब तक मैं क्या पढ़ाऊँगा। जो सब्जेक्ट होते हैं, कोस्टिंग हो गया या फिर सब्जेक्ट अकाउंट्स हो गया, ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लिया जीवन भर वैसा ही रहना है। जो मैंने पढ़ा था वैसा ही आज आप पढ़ रहे हो, जो मेरे गुरुजी ने पढ़ा था अकाउंट्स वैसा ही आज आप पढ़ रहे हो। तो अकाउंट्स में कुछ चेंज नहीं होता, वैसे चलता रहता है वो, बस हाँ क्वेश्चंस अलग अलग बनते रहते हैं, पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। जो मेरे गुरुजी ने पढ़ा था वो उसने मुझे नहीं पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ के पढ़ाया, और जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। चेंज होता है इनकम टैक्स, तो इसमें चेंज आती है चीज़ें, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जब नया कुछ होता है तब मज़ा भी आता है उसको बताने में। अगर एक ही चीज़ रोज़ मैं गाता रहूँगा तो शायद मैं भी बोर हो जाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं अब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो आप देखिए क्या है, और
ये आपको ही करना है भाई, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करूंगा इसके अंदर। ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया, कंसेप्ट पूरे बता दिए हैं आपको, बस आपको उस कंसेप्ट को रिवाइज करवा के बता रहा हूं कैसे होगा। उठाओ अपना कैलकुलेटर, उठाओ अपना रफ पेज और पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को। राम एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया को लेफ्ट करके जा रहा है 22/9/2022 को, फर्स्ट टाइम जा रहा है बच्चों। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या हो गया, उससे पहले वो इंडिया में ही था। ऑफिसर ऑफ कंपनी ऑफ जर्मनी, मुझे बताइए बच्चों, हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, तो आपका 60+360 डेज वाला कंडीशन नहीं देखना होता, याद है ना बच्चों आपको। तो इसका मतलब ये इंडियन सिटीजन भी है, तो ये सब कुछ सही है। तो आप ये देखो कब गया है पहली बार, ये गया है बच्चों 22/9 को, इसका मतलब 22/9 से पहले इंडिया में था। तो अप्रैल में कितने दिन रह गया, 30 दिन, मई में कितने दिन रह गया, 31, और जून में कितना, 22, तो ये कितना हो गया। ओहो, अरे क्या करते हो सर आप, इतना भी नहीं पता क्या आपको, इतना भी नहीं आता, सॉरी बच्चों मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। कितना आ गया देखो, ये पूरा 22 लेना है आपको, जाने वाला दिन भी इंक्लूड करोगे, 170 और 175, 182 से कम होता है ना, हाँ, इसलिए क्या बन गया ये। सॉरी इतना सब लिखा है, सब एग्जाम में लिख के आना है क्या। बिल्कुल बच्चों, आपको प्रोविजन तो लिखना ही पड़ेगा ना, आप सीधा थोड़ी लिखोगे नॉन रेजिडेंट, आपको पूरा सेक्शन नंबर याद नहीं करना, जो याद करने वो करवाऊंगा बेटा, आपको बस प्रोविजन लिख के आना है कि प्रोविजन क्या है। आप ये लिखेंगे कि साहब बेसिक कंडीशन क्या है उसकी, 60+365 डेज, फिर एक्सेप्शन लिखोगे आप, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप एक्सेप्शन में कवर हो जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ 182 डेज पे ही रेजिडेंट बनोगे, आपको ये बस इतना लिख के आना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े आते हैं बेटा, दे रखा है बस, मन बहल जाता है इसको करने के बाद, ऐसा लगता है कि हाँ सही क्वेश्चन कर दिया, बाकी ऐसे थोड़ी कहाँ, एग्जाम में तो मगरमच्छ आते हैं बड़े बड़े, जो चक्करी घनी बनाते हैं। मिस्टर डी है जो एक नॉन रेजिडेंट है जो यूएस में रहते हैं 1990 तक, और वो कम बैक टू इंडिया 1/4/2021 को परमानेंट सेटलमेंट के लिए, स्टेटस बताना है कि क्या बनेगा। मुझे बताइए बच्चों 1/4/2021 से पहले वो कहाँ पर है, इंडिया में है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22/23 है, इसका मतलब इसमें भी कितना रह गया होगा, वो 365 डेज, 182 से ऊपर हो गया, तो रेजिडेंट तो बन गया। क्या पिछले 7 साल में 730 दिन है क्या, नहीं सर, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है बच्चों। आज ऑनलाइन में ज्यादा बच्चे कैसे नजर आ रहे हैं, अच्छा जो यहां नहीं है वो वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, रमेश और सुरेश दो भाई हैं बच्चों, और ये दोनों के दोनों इनकम कमाते हैं, फाइनेंशियल 22/23 के आपको इनकम दे रखी है। रमेश कहां पर सेटल है, कनाडा में 96 से, इसका मतलब रमेश तो क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट बन गया, और सुरेश भाई साहब दिल्ली में है, तो सुरेश क्या बन गया, आरओआर बन गया बच्चों ना, आरओआर, ये तो बन गया नॉन रेजिडेंट और ये बन गया आरओआर। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नीचे और भी है क्या इंफॉर्मेशन, एक काम करते हैं, आया नहीं क्या पूरा, आ गया ना पूरा, दिख रहा है सबको, तो ये बन गया आपका, ये था ना नॉन रेजिडेंट और ये आरओआर, सही, एक बार देख लो चेक कर लो, रमेश ही कनाडा में है ना, चलो इसी में कर लेते हैं सॉल्व इसको। इंटरेस्ट ऑन कैनेडियन डेवलपमेंट बॉन्ड ओनली 50% इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया, पहले बताओ कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है, और इसमें भी आधी इनकम कौन सी है, इंडियन इनकम है, तो आरओआर के हाथ में तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पर इसके हाथ में कितना आएगा, 17,500, बहुत बढ़िया। डिविडेंड मिला है ब्रिटिश कंपनी से, रिसीव्ड कहां हुआ, लंदन के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेन इनकम है बच्चों, और फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, पर इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर, बस आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, नागपुर कहां पर है बच्चों, इंडिया में है, तो ये दोनों क्या होंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इंडियन इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई हमारे इंडिया में आता है बच्चों, दोनों टैक्सेबल है।
फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन इंडिया, रेंडर इन इंडिया इसका मतलब क्या होगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ऑफ यूको बैंक, यूको बैंक कहाँ पर है बच्चों, दिल्ली में है, मतलब दिल्ली कहाँ आती है, इंडिया में आती है, कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम। एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, इंडिया में आता है, इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इसका मतलब नहीं आएगा, दोनों में नहीं आएगा। रेंट रिसीव्ड किया, देखो फिर से क्या वर्ड यूज किया इसने, रेंट का, इसका मतलब क्या हो गया, 70% करना है। रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी भोपाल में है बच्चों, भोपाल भी भारत देश का ही हिस्सा है, इसका मतलब क्या हो गया, 70,042,000। ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया बेटा, ये इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर है ना, पेड किया है आपने। वैसे पढ़ेंगे आगे जाके हम, ATC नाम का एक, इस पे क्या मिलेगा आपको, डिडक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, छोड़ दो इसको एक बार, आप तो सिर्फ GTI निकालो, GTI बताओ कितनी कितनी GTI आएगी। चार लाख 434,500 और दूसरे वाले का पूरा 14,000 भाई, ये GTI है। अगर आप इसका आंसर देखेंगे ना, वहां पर आपको एक ATTTA नाम से और ATC नाम से दो डिडक्शन मिली होंगी। ये क्या है बच्चों, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 7 जब करवाऊंगा डिडक्शन वाला वहां बताऊंगा, एक बार उसको इग्नोर कर दो, बस इतना सीख लो कि ये आ रहा है क्या आपका। तो 434 और 414 इसका आंसर होना चाहिए, 434,500 बिल्कुल सही कर रखा है किताब ने भी, और 414,000 परफेक्टली सही है। ये ATTTA और ATATC क्या है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 7 के साथ में। वैसे लिखा भी होगा हमारी बुक ने कि जब आप चैप्टर 7 पढ़ोगे ना तो वहां देख लेना इसके बारे में। रॉयल्टी इनकम के लिए बता रखा है कि सर इंस्पेक्टिव थ्योरेटिकल पढ़ लेना घर पे। पांचवा देखो, फिफ्थ नंबर, एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, रेसिपिएंट। अब जो रेसिपिएंट है बच्चों, जिसको मिलता है पैसा उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। मैंने आपको पैसा दिया तो आप रेसिपिएंट है, ठीक है ना, आपने मुझे पैसे दिए तो मैं रेसिपिएंट हूँ। और इनकम हमेशा रेसिपिएंट की होती है, जिसको मिलती है उसकी होती है इनकम। MCC वाले मुझे जो पेमेंट करते हैं तो रेसिपिएंट मैं हूँ, तो इनकम किसकी है, मेरी है, इनके लिए तो खर्चा है बच्चों। सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू जॉन, जो क्या है, इंडियन सिटीजन है, 7,00,000 रुपये की रिसीव्ड किया रेंडर आउटसाइड इंडिया, बताओ क्या है ये, इंडियन इनकम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये टैक्सेबल। देखो बता दूं आपको मैं, हम सैलरी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सैलरी चैप्टर में एक आपको अंडर सेक्शन 16(1)(a) की आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ाऊंगा, तब सैलरी में पढ़ेंगे अपन। वहां क्या होता है, 50,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी होती है। तो ये 50,000 की डिडक्शन क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 650, तो आंसर क्या होगा, 650,000, ठीक है, बस इतना ही। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5,00,000 बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया सेट एट मुंबई, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। देखिए जब भी ऐसे ऊट पटांग सा क्वेश्चन हो ना तो उसको लिखना स्टार्ट कर दिया करो। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब सर ये है आउटसाइड इंडिया, यहां से आपने मनी बोरोड की है, मतलब पैसा उधार लिया है, ठीक है, कहां पर लिया होगा, इंडिया में। अब फिर क्या हुआ, 5,00,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया 5,00,000 रुपीज बाय ए नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, कहां पर है, इंडिया में है। तो अब ये इंडिया से कहां जा रहा है बच्चों, US जा रहा है इंटरेस्ट, यही तो हो रहा है ना, कि मैंने US से क्या किया, पैसा उधार लिया जिसका मुझे क्या देना है, 5,00,000 का इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ बेटा ये जो पैसा उधार आया है उसको मैंने कहां इन्वेस्ट किया है, इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट यहां से यहां जा रहा है वो कौन सा इंटरेस्ट है, इंडियन इनकम, तो ये क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। इसका आंसर शायद नॉन रेजिडेंट है क्या, नीचे नॉट टैक्सेबल है क्या, नहीं सही तो है टैक्सेबल।
नहीं, मुंबई इसलिए बच्चों इंडिया में आती है मुंबई, इसका बिजनेस कहां कंडक्ट हुआ, इंडिया में, और यहां से पैसा बाहर जा रहा है, तो इनकम कौन सी होगी, इंडियन इनकम, इसलिए टैक्सेबल हो रहा है। खाली मुंबई पढ़ के मत कर देना आंसर। पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 1900 रुपए का, सॉरी 19000 का, रिसीव्ड फ्रॉम द रेजिडेंट एसएससी राम, जिसकी एज कितना है, साफ पता चल रहा है बेटा पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट है तो इंडियन इनकम है। अब आगे जाके मैं आपको एक सेक्शन फिर पढ़ाऊंगा अदर सोर्सेज के अंदर, अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है तो उस पर आपको 3500 की एक एग्जम्पशन मिलती है, और एक मिलती है 80 TTA की 10000 की, तो उसका मतलब कितना हो गया, 13500 इसमें से एग्जम्प्ट हो जाता है, तो फिर टैक्सेबल कितना होगा, करो माइनस, 5500 क्या हो जाएगा ये टैक्सेबल। सर ये समझ में नहीं आया, अरे भाई आगे जाके पता चलेगा ये डिडक्शंस वगैरह मिलती है। अब क्या करें, इनकम के पॉइंट्स बता रखे हैं जो आगे के फ्यूचर्स के हैं, तो ये आगे आया क्या समझ में, जब बता लिखवाऊंगा सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पर। रॉयल्टी पेड की आपने नॉन रेजिडेंट टू ए सॉरी रॉयल्टी पेड बाय ए रेजिडेंट टू ए नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैड आउटसाइड इंडिया, बताओ भाई क्या है, रॉयल्टी पेड बाय रेजिडेंट किसको पे कर रहे हैं, तो ये है रेजिडेंट और ये कौन है, किसने किसको रॉयल्टी दिया है, इसको दिया है, तो मतलब रेसिपिएंट कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट। और ये बिजनेस कहां हो रहा है बच्चों, इंडिया के बाहर, मतलब इनकम कौन सी हो गई, फॉरेन इनकम हो गई ना, और फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट में क्या होती है, नॉट टैक्सेबल। आई क्या बात समझ में, फिर बताऊं, लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है बच्चों, लीगल चार्जेस 5000 पे किया है दिल्ली में, बात ही खत्म हो गई, ये लोग क्या हो जाएगी, ये अरे खत्म, पांच ही थे क्या ये, अब हमें क्या ओपन करना है, एमसीसी का स्कैनर, किए थे क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस, झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे आप, किए थे क्वेश्चन क्या बच्चों, सही में किए थे, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट है तो पूछो, 8 वाला बता देते हैं, और बताओ, हाँ भी ऑनलाइन वालों आप भी आ जाओ अब, क्योंकि जो क्वेश्चन करेगा उसी को डाउट आएगा, और ये सच्चाई भी है बच्चों, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे डाउट ही नहीं आएगा आपको, डाउट कब आता है, जब पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपको डाउट चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो मौज ही मौज है। 6 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन भी आ गया, अब ये क्या है, ये क्या है भाई, अच्छा कौन है ये समझदार आदमी, क्या बात है, सिक्स एट और फोर बस तीन ही है ना, तो हम जो क्वेश्चन में डाउट है उन्हीं पर फोकस करेंगे, फालतू चीज पे टाइम खराब नहीं करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन निकालो, तेजी जो एक इंडियन सिटीजन है, एक्सपोर्ट मैनेजर है बच्चों अर्जुन ओवरसीज लिमिटेड इंडियन कंपनी के, 1 May 2017 ही हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग USA फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ही स्पेंड द फॉलोइंग डेज इन USA ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, देखो कहां पर स्पेंड किए हैं, US में, तो इसका मतलब 320 दिन आपने US में रहे हो आप, तो इंडिया में कितने रहे हो फिर,
सर टोटल होते हैं 365, उसमें से 320 इंडिया में, बाहर हो तो इंडिया में कितने हो, इसी तरह यहां पर कितने हो 205, इसी तरह यहां पर कितने हो 96, दो सौ पांच के 215 आएगा ना, तो ये माइनस करके आप नंबर ऑफ डेज निकालो कितने दिन इंडिया में हुआ। डिटरमाइन करना स्टेटस उसका, स्टेटस क्या रहेगा, 1 मई से पहले वो कभी भी इंडिया में बाहर नहीं गया। पहले बताओ क्या ये एक्सेप्शन में कवर हो रहा है क्या, 182 डेज वाले एक्सेप्शन में कवर हो रहा है क्या? ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर जाता है किसके लिए जाता है बेटा, बिजनेस के लिए जाएगा तो कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो प्रीवियस ईयर में कितने दिन 182 डेज और मोर स्टे करेगा तब रेजिडेंट बनेगा, और ये इसका प्रीवियस ईयर कितने दिन बाहर स्टे कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये तो नॉन रेजिडेंट बन गया डायरेक्ट। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बच्चों। फिर पढ़ते हैं, तेजी एक इंडियन सिटीजन है जो एक्सपोर्ट मैनेजर है अर्जुन ओवरसीज इंडियन कंपनी के अंदर, रेगुलरली विजिटिंग यूएसए फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है क्या? नहीं सर, समझियो बच्चों, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, बाहर जाके किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या बाहर जाकर ही बिजनेस कर रहे हैं। आप तो बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, आप तो विजिट करके आ रहे हैं ताकि आपको ऑर्डर मिल सके, ये तो आपका काम का हिस्सा है। आपका मेन काम कहाँ चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, इसका मतलब ये एक्सेप्शन में कवर नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 60 + 365 देखना पड़ेगा। तो बताओ प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुका है वो, 365 - 295 कितना, और इससे पहले चेक करो 4 सालों में 365 डेज हो गया क्या, तो ये रेजिडेंट तो ये बन गया। इसमें थोड़ा एरर है बेटा, एरर ठीक करो। एरर क्या है एक बार बताओ, ये 20 वाला लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, -270 कितना आएगा, 96 डेज। तो आप 96 डेज करो इसको, 95 को 96 करो आंसर में। और यहां पर कितना होएगा, 55। अरे बताऊं क्या हुआ था, क्वेश्चन तो यही था। अब ईयर जब चेंज हुआ ना, तो इस क्वेश्चन को हमने 1 साल आगे बढ़ा दिया। अब टाइपिस्ट भैया ने क्या किया, ये सब चीज़ें रखी, जब 1 साल आगे बढ़ेगा तो डेज भी तो चेंज हो जाएंगे, लीप ईयर से अगले साल पे शिफ्ट हो जाओगे आप, तो उन्होंने क्या किया इसको भी आगे बढ़ा दिया, इसलिए थोड़ा सा क्लेरिकल मिस्टेक है ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये सेम ही रहेगा, यहां से बढ़कर वो शिफ्ट हो जाएगा, बस ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो अगर इसने, तो ये क्या बनेगा बच्चों, कर लिया इसने ये काम। अब पिछले 7 साल में 730 दिन देखना है, क्योंकि इससे पहले तो कभी वो गया ही नहीं बाहर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 730 भी पूरे हो गए, और 2 बार वो क्या बन चुका, रेजिडेंट भी बन चुका है, तो वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। आंसर में एरर बहुत है, जी ROR कैसे, अरे भाई बता तो रहा ना ROR कैसे, सीधी सी तो बात है कि मुझे बताइए, यहां पर 60 और इसके पीछे के 4 साल आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। कौन सा था, 6 नंबर क्या, सब माथा पच्ची वाले सारे मेरे लिए छोड़ दिए तुम लोगों ने। करुणा कपूर है बच्चों, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, इसका पासपोर्ट रिवील हो रहा है, तो कब से लेकर कब तक वो इंडिया में थी, स्टे इन इंडिया, ऊपर लिखा है मिस्टर और नीचे लिखा है हर,
ये स्टेटस क्या पता क्या है ये। तो इस डेट से लेकर इस डेट तक वो इंडिया में थी, इस डेट से इस डेट तक इंडिया में थी। तो इसमें जिसको भी डाउट आ रहा है बच्चों, बस क्या डाउट है थोड़ा ये बता सकते हो मेरे को आप? पूरा कैलकुलेट करवाओगे क्या? देखिए माथा पच्ची है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, डेट से निकालने हैं इसके अंदर। करें क्या इसको? चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस है, इसका मतलब बाहर की है ये, और इंडिया में स्टे कर रही है। तो सबसे पहले बताओ, प्रीवियस ईयर में 60 दिन आगे क्या, यहां से लेकर यहां तक वो इंडिया में है प्रीवियस ईयर के अंदर? तो अप्रैल में होते हैं कितने दिन आपके? 30 दिन। 2 दिन कम करोगे 28 हो जाएगा। मई में कितने आएंगे आपके? 31। जून में कितने आएंगे? 30। और जुलाई में आएंगे 11। तो मतलब 60 से तो ऊपर हो गया। अब इसके पीछे के 4 साल बताओ भाई, यहां पर कितने दिन है? 22 जून से लेकर कितने आ रहे हैं? 137। आसान हो गया अब तो। और भी चेक करो, 7 साल आएंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल है भाई। और इससे पहले ये चेक करो, यहां से लेकर यहां तक 730 हो गया क्या? कितना है? 703 है। तो इसका मतलब अब इसके पीछे के 4 ये चेक करो, क्या 365 हो गया? क्या हो गया ना? 4 365 से ऊपर। तो ये रेजिडेंट तो बन गया या बन गई जो भी है, पर ये 730 दिन पूरा नहीं कर पाए 7 साल में, इसलिए क्या बन जाएगी? RNOR। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जल्दी करवा दिया इस क्वेश्चन को। इसमें भी शायद कोई एरर है क्या? एरर तो शायद इसमें भी है कोई, ये वाले में। इसमें चेक करो, 10 फरवरी की बात हो रही है बच्चों, तो फरवरी में 29 डेज होंगे, क्योंकि ये 20 वाला आ गया, लीप ईयर आ गया। तो 29 डेज होंगे, तो माइनस कर दोगे आप कितना? 9 कम कर दोगे तो कितना आएगा? 20 डेज। और मार्च कितना है? 26। 26 दिन और जोड़ो कितना आएगा? 50 46। और हमारे पास कितना है यहाँ पर? 45। तो इसको 46 कर देना, और ये 201 हो जाएगा, और ये एकदम सही है। ठीक है, हटा दूं। और इसी तरह एक एरर और आएगा आपके सामने, ये वाला 16 वाला, ये भी लीप ईयर है आपका, पर इसमें तो नहीं आएगा एरर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फरवरी कहीं आ ही नहीं रही, नहीं आएगा भाई एरर। 18 19 में क्या आएगा? अब बताइए भाई, 8वां भी था क्या? सिक्स था, 8 है क्या? कितने गया भाई 8? अरे तूने बोला क्या आज? तो लभ्या ही नहीं 8, तो किधर गया 8 बचा? वो है इंडियन शिप वाला, ये इस दिन गया था और इस दिन वापस आए, दोनों दिन इंडिया के बाहर काउंट करने हैं, आउटसाइड इंडिया। समझ में तो आ गया ना कौन सा क्वेश्चन है? एक शिप का क्रू मेंबर जो है वो, जो इंडिया के बाहर जाता है, तो डीसी पे साइन करने वाले दिन से लेकर जब तक वापस नहीं आता तब तक कहाँ मानोगे आप उसे? इंडिया के बाहर मानोगे। तो आओ कर लेते हैं मत्थापच्ची। लो भाई, कब गया है ये? 10 अगस्त 21 को, और वापस कब आया है? 13 फरवरी 22 को। ये आउटसाइड इंडिया, तो इसका मतलब यहां पर इंडिया में था ये। तो चौथे महीने में 30 दिन, पांचवें में 31 दिन, और छठे में
छठे में कितना आएगा? सातवें में, आठवें में 9 दिन, 9 देंगे ना। और अब आओ दूसरे महीने में, तो 28 दिन होते हैं, माइनस कर देंगे 13, 15 आ जाएंगे, और फिर 31, बताओ कितना आ गया? 177। और 177 इसका मतलब क्या हो गया? ये 182 डे से कम है, एक्सेप्शन में कवर रहता है हमेशा इंडिया से जाने वाला सिटीजनशिप, तो इसका मतलब क्या बनेगा? ये नॉन रेजिडेंट। अरे तो ठीक कर लो, 178 आ रहा है यार। अच्छा यही दिक्कत आ रही थी क्या आपको? ठीक कर लो यार, क्या है तो उसमें क्या करें बताओ। फरवरी में 13 आएंगे, कितने आएंगे? 12 आएंगे, फिर 177 है ना ये, तो ये 30, 31, 30, 31, 9 दिन, और 15 और 31, इसने एक्सक्लूड माने ना, ये 13 दिन माने इसमें यहां पर, और 13 और 15, 18 सही तो मान रखे हैं यार। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर 77 कर दो आप बस, क्योंकि बताओ क्या मान रहा है इसको? 366 मान रहा है, 365 डेज करना है इसको। आई क्या बात समझ में? सर जो कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन 10(1) में सर्विस ऑफर नॉट एक्सीडिंग 10 लाख% टर्नओवर, आगे भाई समझ में क्या दिक्कत थी? एरर है, वो एरर ठीक कर दो बस। हाँ जी, अब बताओ बेटा 11 से लेकर 20 तक कोई डाउट? ग्यारह से 20 में बताइए बच्चों। ग्यारह से लेकर 20 तक में कौन सा पूरा ही कर लेंगे बेटा? सेकंड क्या, थर्ड क्या? 11 नंबर, 13 नंबर, 19, 12 भी है। अच्छा ऑडियो यार म्यूट नहीं कर रहे बच्चे। पंद्रह भी आ गया, तो 11, 12, 13, 14 है कोई? 14 नहीं है भाई, 15, 16 भी नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19, 4 छोड़ के 6 क्वेश्चन करने हैं। नहीं कोई बात नहीं बेटा, 4 क्यों, अगर आप पूरे करते वो भी करवाते हैं अपन। 19 भी था क्या? पहले वो खुला यही कर लेते हैं। गीता और लीना है भाई, दो बहनें हैं। गीता कहाँ पर है? मलेशिया में सेटल है और विजिट करने आती है एक महीने के लिए इंडिया में, और जो लीना है वो इंदौर में सेटल है। इसका मतलब ये बन गई नॉन रेजिडेंट और ये बन गई आरओआर। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा सही क्वेश्चन लग रहा है एकदम, तो थोड़ा सा हाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें दिख रहा है भाई सबको ये क्या, थोड़ा छोटा किया है मैंने इसको। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन मलेशिया सेटअप, देखो सेटअप वाली बात अब देखनी नहीं है क्योंकि ये तो एनआर है और ये आरओआर है। अगर कोई आर एनओआर होती ना तो ये सेटअप सेटअप देखते हैं अपन। अब या तो ये इंडियन इनकम है या फिर फॉरेन इनकम के हिसाब से देखो। तो प्रोफेशन कहां पर है? सेटअप, तो ये एनआर क्या में टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम दिल्ली ये टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट मिला है, कंप्यूटेड लिख दिया वर्ड, इसका मतलब सब कुछ एडजस्ट कर चुके हैं वो। मलेशिया में डिपॉजिट किया आपने इन मलेशिया, बाद में उसको रेमिट कर रहे हैं कहाँ पर? अप्रूवल चैनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये टैक्सेबल नहीं होगा। डिविडेंड पीक्यूआर लिमिटेड इन कंपनी का
टैक्सेबल हो जाएगा दोनों के हाथ में। डिविडेंड फ्रॉम मलेशियन कंपनी रिसीव्ड मलेशिया, इसका में टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। कैश किस रिसीव मिले हैं मेरा फ्रेंड से, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों अंडर सेक्शन 56.210 पढ़ेंगे आगे जाके, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल होता है और पूरा टैक्सेबल होता है। 50,000 से ऊपर के गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं, पूरे टैक्सेबल होते हैं, स्लैब नहीं है कोई। 50 तक है नहीं होगा, 50 के ऊपर पूरा हो जाएगा, 51 में तो पूरा हो जाएगा, ऐसा कोई स्लैब नहीं है भाई, ठीक है। ये सेक्शन 56.210 में आएगा। देखो अभी इसलिए नहीं इस पर डिस्कस कर रहा मैं, पूरी 3 क्लास लगेगी तब बताऊंगा किस तरह से गिफ्ट की बनी टैक्सेबल होती है, इसलिए बस इतना याद रखिए फिलहाल के लिए 50 तक का टैक्सेबल नहीं है, 50 के बाद हो अगर होगा तो पूरा टैक्सेबल कर दोगे आप। एग्रीकल्चर इनकम का है महाराष्ट्र में, तो टैक्सेबल दोनों के हाथ में नहीं होगी। पास्ट की फॉरन इनकम टैक्स नहीं आती बच्चों। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, पुणे के अंदर है तो अब 50% हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ द इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है बच्चों, क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये पे किया आपने तो इसको छोड़ दो एक बार, आगे समझ में। 18 भी था क्या, 17, 17। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द यूएस बेस्ड कंपनी हेली लिमिटेड। यूएस बेस्ड कंपनी का मतलब क्या हो गया कि सर ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है। 5 देखो, अब नॉन रेजिडेंट है सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी ना, और कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है इनकी। 5 लाख रिसीव्ड किया इसने फ्रॉम इंडियन डोमेस्टिक कंपनी से प्रोवाइडिंग द टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया, क्या होगी इंडियन इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगी 5 लाख। 6 लाख मिल रहे हैं बच्चों इंडियन फॉर्म से कंडक्टिंग द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इन फिनलैंड, फिनलैंड इंडिया में नहीं आता बच्चों, तो इसका मतलब इनकम कमाई कहाँ पर आपने, इंडिया के बाहर कमाई है, और ये खुद कौन है, नॉन रेजिडेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट टैक्सेबल। वैसे देखा जाए तो इसमें ये नहीं बता रखा कि ये पैसा मिला कहाँ पर है। अब हम यही मानेंगे क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी तो पैसा यूएस में मिला होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं बच्चों। अगर ये लिखा होता कि पैसा रिसीव्ड कर लिया इंडिया में तो आप ये इंडियन इनकम बन जाती है, लिखा है कुछ भी नहीं तो हम ये मानेंगे यूएस की कंपनी तो पैसा यूएस में मिलेगा। 4 लाख मिला बच्चों नॉन रेजिडेंट से, यूज फॉर द पेटेंट कहाँ पर है, इंडिया में, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि पेटेंट कहाँ यूज करोगे आप, इंडिया में, तो इसका मतलब इनकम कहाँ से कमाई आपने, इंडिया से, कौन सी इनकम बन गई, इंडियन इनकम, तो क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। 8 लाख मिला है नॉन रेजिडेंट से, यूज द नो हाउ फॉर द बिजनेस इन सिंगापुर, बताओ क्या होगा। अरे सर नॉन रेजिडेंट से पैसा मिला है चाहे वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले बताओ यूज कहाँ किया जाएगा, ये खुद कौन है, इसका मतलब क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगी। 10 लाख रुपये आपने सप्लाई ऑफ द म्यूचुअल एंड डिजाइन ऑफ द बिजनेस एस्टेब्लिश इन सिंगापुर, तो ये भी क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। 16 भी था क्या, 15 तो यार आसान सा ही है। कृष्णा कुमार है जो पेंशन रिसीव्ड कर रहा है यूएस गवर्नमेंट से 3,20,000। अब बताना आपको अगर रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, अगर ये आरओआर है और आरएनओआर, तो अभी यूएस गवर्नमेंट से मिल रही है तो ये तो टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम कहां पर है, मलेशिया में, ये टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं होगा। रेंट रिसीव किया आपने लैट आउट प्रॉपर्टी कहां पर, कोलंबो के अंदर, तो टैक्सेबल नहीं होगा। क्या क्वेश्चन था ये, 4,20,000 का 70% कर दो, 3,90,000। हाँ क्योंकि पेंशन की इनकम है ना बेटा, सैलरी हेड की इनकम है, 50,000 माइनस होगा इसमें। है ना, ये आगे देखो चीज़ें थोड़ी आगे जाएंगे तब ये सब चीज़ें कलेक्ट होगी, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। 14 नंबर भी था क्या, 13 था ना, 13 था ना,
तीनों यहाँ क्या? 11 नंबर देखिए, काट दो इसको, ये हट चुका है बेटा आपके सिलेबस से, काट दो इसको। बिल्कुल ये भी नहीं आएगा, काट दो इसको भी। हाँ जी, नहीं वैसे है कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पर ये सेक्शन नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ बेटा, बेमतलब। हाँ दोनों काटो, 13 भी काट दो, 10वां 11वां सॉरी 11वां 12वां 13वां तीनों काट दो, तीनों ही सेक्शन 9 के हैं। देखो ना सेक्शन 9, सेक्शन 9, वैसे सेक्शन 9 ही होता है पूरा इनकम, बता दूं आपको मैं, इनकम का डेफिनेशन होता है पूरा सेक्शन 9 ही होता है बच्चों, इस पर लिखा नहीं सेक्शन। हाँ बिल्कुल काटो बेटा, इफेक्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस है ये भी कटेगा। काट दे यार, क्यों घबरा रहा है। हाँ जी अब बताइए मुझे, 21 से लेकर 30 के बीच में, 30 नंबर, 23 नंबर, 11, 12, 13 और 14। नॉट रेलिवेंट, इक्कीस नंबर में प्रॉब्लम किसी को? सेक्शन 9 का देखो, सेक्शन 9 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है बच्चों, ये पूरी इनकम जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सेक्शन 9 में लिखी गई है, हाउस प्रॉपर्टी की, सैलरी की, पीजीपी की, सब सेक्शन 9 के अंदर है। पर सेक्शन 9 के अंदर क्या है कि जो भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है उनको हटवाया है इंस्टीट्यूट ने, कि ये मत पढ़ो आप। 21 पढ़ लेते हैं। डेजी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर? यूएस में। इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमंड। हाँ बेटा बिल्कुल हटा दो इसको भी, मैं बता दूं आपको ये एक सेक्शन था। चलो क्या करोगे ऐसे जबरदस्ती दिमाग में रख के। 22 नहीं, ये तो है बेटा, ये तो सारे नहीं काटने भाई। 22 कर लिया था आपने, ये 23 हो गया, अरे खत्म, चैप्टर भी पूरा हो गया, क्लास भी पूरी हो गई, क्या परफेक्ट टाइम पर सब कुछ हुआ है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, ये 15 नंबर करवा दिया मैंने ना, अब मिलते हैं अगली क्लास में, नोट्स आप ले आना कल, ठीक है। और आपको अब अपना सेकेंड मॉड्यूल जो आपका आया हुआ है, फर्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 3 जो आपको अभी होल्ड करेंगे बेटा हम, फर्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर 1 करवा दिया मैंने, चैप्टर 2 करवा दिया, चैप्टर 3 को सबसे लास्ट में देखेंगे, जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, जब विदाई का समय आ चुका होगा हमारा, उस दिन करेंगे चैप्टर को, ठीक है। और अब आप मॉड्यूल नंबर 2 लेके आएंगे कल क्लास में, और उसमें हमें खूब टाइम लगेगा, तो मॉड्यूल 2 मिलेंगे अब, तब तक के लिए बाय बच्चों।